दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण द्वारा मीटर रीडिंग में गड़बड़ी को रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, जिससे मीटर रीडर को रीडिंग लेते समय कोई परेशानी नहीं होगी। ये ऑप्टिकल प्रॉप सॉफ्टवेयर मोबाइल से अटैच होगा। इसके साथ ही मीटर रीडर को हर बार मीटर बॉक्स पर एक केबल टाई नहीं बल्कि सील भी लगानी होगी। जी, क्या जी, काम होगा जी? इसका काम सर ये होगा, जो मीटर बॉक्स है, मीटर बॉक्स की सील को हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जैसे हम प्रोब से रीडिंग उठाएंगे, रीडिंग उठाने के बाद उस मीटर को दोबारा जो ये केबल टाई है इसे सील किया जाएगा, और ये काम पर मंथ होगा। इससे क्या होगा कि एक तो जो हम रीडिंग उठाएंगे इसमें रीडिंग का गलत होने का चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जो प्रोब से रीडिंग उठाई जाएंगी, ये इसमें मीटर रीडर को रीडिंग बनने की आवश्यकता नहीं है, रीडिंग अपने आप ये उठाती है। इसमें खाली मीटर का नंबर बनना है मीटर रीडर ने, और ये फोन से टच होके और रीडिंग अपने आप कैच कर लेगी। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? इसकी जरूरत एक तो ये है कि मान लो बाई चांस मीटर रीडर से किसी गलती होने की जो संभावना होती थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और इसमें चोरी जो चोरी है चोरी भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चोरी के चांस भी खत्म हो जाएंगे, और जो इसमें मीटर का लोड है वो भी पता चल जाएगा। इसमें सारे पूरी डिटेल अपने आप ये प्रोब निकाल के रख देगी। तो जो प्रो आपने बताया, हाँ जी, वो क्या हर मीटर रीडिंग को दिया जाएगा या के लिए कोई स्पेशल? नहीं, हर मीटर रीडर को एक एक प्रोब उपलब्ध करवाई जाएगी। ये हमारी प्रोब है, जो ये है, ये जैसे इसको मीटर पे लगाया जाएगा, मोबाइल से टच होगी, और उसके बाद जैसे ही मीटर रीडर उसमें वो करेगा तो उससे उसका पूरा डाटा हमारे पास रीडिंग का आ जाएगा। ना हमने रीडिंग बननी उसके अंदर, ना कुछ करना है। सतीश लांबा नाम है मेरा। सतीश जी, क्या कहना चाहोगे? जो मीटर प्रो है डीएच कैसे करेगा? अच्छा, और जो सील है वो कैसे काम करेगी? डीएचबीबीएन का काफ़ी अच्छा ये पहल है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो जो टीम है वो डाउनलोडिंग करेगी। डाउनलोडिंग के अंदर कैसे किया जाएगा कि जो हमारी प्रॉब है, प्रॉब को मीटर में लगाया जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू डाउनलोडिंग होगी। इसके अंदर जो गलती की गुंजाइश है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जी। उसके अलावा एक सील है केबल टाई, वो सील लगाई जाएगी। सील से क्या होगा कि जो सील लगाई जाएगी, सील के अंदर क्या है कि जी प्लास्टिक से लगाई जाएगी हमारी, और जितने भी मीटर रीडर हैं उनमें जो गलतियों की गुंजाइश थी वो शून्य हो जाएगी बिल्कुल। और मीटर रीडिंग है, हर महीने नई सील लगाई जाएगी? हाँ जी, हर महीने नई सील लगाई जाएगी इसके अंदर, और ये हर महीने टूटेंगी और हर महीने नई लगेंगी जी। तो टोटल अपने भिवाड़ में कितने ऐसे मीटर हैं जिन पर आपको शक है कि वो चोरी करते हों, या सभी पे ऐसे लगेगी? नहीं, ये जो सील है ये हर एक मीटर के ऊपर लगाई जाएगी जी। जो इसमें क्या है, चोरी का मैं बता देता हूँ आपको, चोरी का नहीं मान सकते हम इसके अंदर। इसके अंदर क्या था कि जो पहले मीटर रीडर जो रीडिंग लिया करते थे उसमें क्या होता था, कई बार पॉइंट्स उठा लिया करते थे, या फिर 2000 मीटर रीडिंग है उसके अंदर और उसमें गलती से उसने 20,000 कर दी या इस तरीके से, तो जो गलत बिल आया करते थे वो भी कम हो जाएंगे इसके अंदर, और जो कंज्यूमर की शिकायतें हैं वो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, ये बिल्कुल सारा कुछ ऑनलाइन होगा इसके अंदर। इसके अंदर मतलब आप ये देख सकते हैं कि लोड कितना, एक्चुअल में लोड कितना आ रहा है मीटर के ऊपर, वो भी इसके अंदर शो किया करेगा सर। और इसमें सबसे ज़्यादा एक बात, इसमें हम सभी कंज्यूमर से एक नमन निवेदन करते हैं, जो भी हमारा मीटर रीडर जाए, जो इन सीलों को ब्रेक करे, उनके साथ जिद्दोजहद मत करे, और वो कौन का सीओ करें, और वो काम हम उनकी सुविधा के लिए कर रहे हैं, न कि वो। डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है ये, और ये मनोहर लाल सरकार की जो खूबियां हैं उनमें से एक बहुत अच्छा कदम कहा जा सकता है। धन्यवाद।